भाई दिखाई एक बार सुनो, भाई कह रहा खुद कह रहा है कि इतनी कीमत है, अभी एक बार दिखाई दे एक बार आज भाई साइड पे, मतलब आप खुद हैरान हो जाओगे इस तरीके की तस्वीर देख कर ना। ये धीरे धीरे इनको आकर घा भरना में टाइम लगा, साफ दिखे बिल्कुल। उन्होंने क्या है कि तो जी माए, एक ने तो मेरा मुंह पकड़ लिया और एक भाई की चाबी थी यहाँ पे, बियर मारी, इतना याद है। हाँ, बियर की दो बोतलें पड़ी थी वहाँ, खाली थी वो, लेके आए थे या फिर खाली पड़ी थी, पता नहीं क्या था। मतलब आपका इस पर कंधे पर मारी? हाँ, कंधे पे, वो फूट टूटी हुई थी। फिर उन्होंने लगातार तीनों दो दो थे 80-90 लगभग। अभी सिस्टर लोग ने जैसे जिस दिन आया था उस दिन गिने थे तो 103 थे, जैसे यहाँ पे भी लगे हुए हैं यहाँ से आते। अच्छा, मैंने यहाँ का ध्यान नहीं दिया था। अच्छा, लगभग तो फिर यहाँ से सलेंसर पे मेरे को यहाँ पे डाला। अच्छा, जो गर्म सलेंसर सलेंसर, हाँ, उसके ऊपर मेरा फेस तो फेस भी और सलेंसर। ए टू जैड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। फिलहाल जींद की कितनगर में आप मौजूद हाँ, अपोलो रोड पे। और दिन प्रतिदिन अगर मैं जींद की बात करूँ, पूरी जींद जिले की बात करूँ, तो क्राइम इतना बढ़ गया, हर दिन एक नया केस आपने देखने में मिलेगा, चाहे मर्डर की बात हो चाहे लड़ाई झगड़े की बात हो। जींद में क्राइम लगातार बढ़ता जाने लग रहा है, पता नहीं मतलब अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि पुलिस प्रशासन का शायद उनको खौफ नहीं रहा। एक और मामला अपना सामने आया है, एक जो फ्रेम आप जो फोटो देखने लग रहे हो, तस्वीर आप देखने लग रहे हो, जो वीडियो आप देखने लग रहे हो, यू भाई एक डांस टीचर है जींद स्कूल में। और जिस तरीके से इनके हालात सोनू के वर्णन जीत दिखा दे, इनके हालात आप देखोगे और पूरी कहानी जो सुनोगे, ठीक है थोड़ी देर खाते रहिए, इनके पूरे हालात और इनकी जो कहानी आप सुनोगे, इनका अगर नहीं रोंगटे आपके खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे, इसकी सगी मौसी का लड़का ने इसका यू हाल कर दिया। नुकीली चीज़ कोई पेचकस हो या फिर जिस तरीके से बर्फ फोड़े अगर उसका कोई सुआ हो, मतलब नुकीली चीज़ आगे बैक में दिखाए नहीं सकते, क्योंकि इस भाई की इतनी हिम्मत नहीं है कि यू पलटी खाए जाए या मतलब बैक साइड दिखा दे। बैक में इतने वार हैं, फोटो जरूर आपने उतने दिखाओगे, साइडा में को निका कर नहीं, तीन आंगली अंदर चला जाओ, इतने गहरे गाह हैं। और उरे को तो इसके फोटो मतलब ये तो आपने उतार के दिखाई नहीं सकते, फोटो दिखाओगे उरे तो उरे तक पूरे टंके है और इतनी जगह तो बिल्कुल कैट रखे है, यानी फेफड़े तोड़ गड़े अंदर तो सारे, ऑपरेशन करके आया 20-25 दिन में रोहतक PGI थे, फिर जींद और फिर जो है 4-5 दिन पहले डिस्चार्ज हुआ जींद थे। पुलिस की जो कार्रवाई है, परिवार बिल्कुल भी मतलब उस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। राम राम। राम राम। आपका नाम? मंजू। मतलब कै तारीख की बात है ये? अच्छा, ये 9 तारीख की बात है, 9 सितंबर। हाँ। अच्छा, पूरी कहानी की थी, पूरी घटना की थी? मेरे भाई को मौसी वाला लड़का है ना जो दीपक है, उनके पिताजी का सगी मौसी, बिल्कुल बिल्कुल सगी मौसी है, दीपक नाम है उसका, निकनेम दीपू है, उनके पिताजी का नाम कैलाश है जी। हाँ, वो मेरा भाई को लेके गया था ये बोल के कि दालम वाला स्कूल में जाना है, स्कूल में तुझे बुलाया है। अच्छा, अच्छा। हाँ, कितने बजे आईडिया? ये मेरे भाई को उसने दिन के 12 बजे फोन किया था कि चलना है, तो मेरा भाई तैयार हो गया बिल्कुल नए कपड़े वगैरह पहन के। 5 बजे फिर उसका फोन आया कि अब आ जा, तो मेरा भाई चला गया। ठीक है, अकेला गया? हाँ, मेरा भाई अकेला गया बिल्कुल। कागज भी थे इसके, डॉक्यूमेंट्स भी थे, सर्टिफिकेट भी थे डांस के सारे, वो मिले भी नहीं है के, हमारे पास है भी नहीं। सिखाते हैं डांस ये? हाँ, कितने साल से? डांस कोरियोग्राफर हैं ये, 10 साल से। ठीक है, 10 साल से डांस सिखाते हैं। फिर ये लेके गया था उसको, फिर वो वहाँ पे वो मना कर गया, कहता है आप है ना सुबह चलेंगे, अभी लेट हो गया है। उसने ऑलरेडी पहले ड्रिंक कर रखी थी दीपक ने, हाँ मौसी वाले लड़के ने ड्रिंक कर रखी थी, और वो कहता कि सुबह चलेंगे। भाई दिखाई एक बार सुनो, भाई कह रहा खुद कह रहा है कि इतनी कीमत है, अभी एक बार दिखाई दे एक बार आज भाई साइड पे, मतलब आप खुद हैरान हो जाओगे इस तरीके की तस्वीर देख कर ना। ये धीरे धीरे इनको आकर घा भरना में टाइम लगा, साफ दिखे बिल्कुल। भाई दूर तो दिखा दे, ये इसकी बनिया और ये शर्ट का मैं को छेद है, यानी एक बार छेद दिख पिछली साइड दिखाई को मैं एक बार, हाँ बनियान के मैं को भी छेद है कि दिखे कड़ी। ये देखो भाई, ये छैन रखी बनियान उरा लग रहे, और ये देखो भाई सोनू एक बार ये दिखाइए, पकड़ियो जी एक बार, ये छेद दिखे इसका मेरे को, ये देख रहे। तो मतलब कोई नुकीली चीज़ पेचकस या सुआ वगैरह इस तरीके का यूज़ करा गया?
इसको बड़ी बेरहमी से मारा है। वहाँ बैठ के इन्होंने, मेरा भाई तड़पता रहा, कहता रहा मुझे घर छोड़ाओ, मुझे घर, मारने के बाद भी ये कहता रहा मुझे घर छोड़ाओ। फिर इसको फिर उसको ऊपर दोबारा से और मारते, उठ उठ के दोबारा से और मारते। मैं इसका चाचा हूँ। मैं पुलिस वाले के पास गया था कुलवीर सदर थाने में जी, मेरी फ़ोन पर बात हुई थी। उन्होंने बोला अगर अभी पकड़ेंगे तो वो जमानत करवा जाएंगे, इसको डिस्चार्ज होने दो, रोहतक मेडिकल की रिपोर्ट आ जाने दो। मैंने कहा मैं, इतना आदमी मर जाएगा, मान लो किसी को थप्पड़ मार दूं मैं अभी यहीं, आप मेरे को अभी अरेस्ट कर लोगे, दो चार घंटे बिठाओगे बुलाओगे, बोले नहीं ये हो जाएगी कार्रवाई, बड़ा केस लगेगा इनके। फिर उसके बाद मैं दो चार दिन बाद फिर थाने में गया चार पाँच आदमी को लिए। उस दिन CM साहब आने थे, यहाँ तो छुट्टी थी नहीं। उसके अगले दिन फिर गया, फिर SO साहब ने कहा एक कुलवीर नहीं है तो क्या थाना नहीं चलेगा। उन्होंने बोला अब उसके बयान ले गया हो, तुमने क्यों नहीं लिया अभी बयान, तो यहीं से फ़ोन कर दिया कि वहाँ कोई गया हुआ अपना सदर थाने का पोस्टमार्टम के लिए, वो बयान ले लिया, वो बयान ले गया जी। फिर उसके बाद मैंने फिर फ़ोन किया, माँ जी इसको ये मर जाएगा जब उठाओगे क्या, मतलब हम SP के पास जाएंगे। बोला SP क्या करेगा, हमें नहीं करना जो कुछ करना है। अच्छा, ये बयान किसका था? ये जी उन्हीं का है, कुलवीर का, SI का, जो वहाँ थाने है, IO है जी वो। हाँ जी। अच्छा, फिर उसके बाद? उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी, कोई नहीं उठाया अभी तक, कोई नहीं उठाया जी। वो यहाँ गली में ही घूम रहा है, गोलगप्पे की रेडी पे भी जाता है गली में घूम, और इसकी माँ तक नहीं है जी, माँ नहीं है, एक महीने की छोड़ के चली गई थी इसकी माँ, इसकी माँ नहीं है, ये इसी का गुजारा यही कर रहा है जी। अच्छा, वो जैसे भी कर रहा है अपना दिहाड़ी तप्पा करके, ये खाली डांस नहीं सिखाता। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बालक है। क्या नाम भाई साहब आपका? प्रदीप। प्रदीप, क्यों वही, मतलब कोई बिल्कुल सच बताना भाई, पहले की कोई रंजिश थी या कोई लड़ाई झगड़ा, कोई धमकी वगैरह? नहीं, पहले तो कोई रंजिश नहीं थी, जैसे आज से कई साल पहले, 5-6 साल पहले हमारे परिवार में ही हुआ था। पापा का व्यक्तिगत आपका था या उनका था? मतलब उनके ही था, मतलब पहले मेरे पापा और उसके पापा की हुई थी, आज से 6 साल। मेरी मेरे को मैटर, मेरे से तो हर बार बोलता था उसके साथ, हम तो बोल, घर वाले नहीं बोलते थे आपस में, हम बोलते थे भाई भाई है, चलो हम आपस में बोलते रहते थे, उठते बैठते थे। अच्छा, ये थी। तो वो डालम वाला स्कूल में कुक का काम करता है, खाना वगैरह बनाता हॉस्टल वाले बच्चों के लिए। तो वो मेरे को बोला भाई यार मैं इधर उधर घूमता रहता हूँ, अभी तो एनुअल तो डांस के, तो अभी तो अक्टूबर नवंबर के बाद स्टार्ट होंगे यार, इतना पूरा साल खाली रहता हूँ। तो बोला चल मैं डालने वाले, मैंने बात कर ली, तेरे को परमानेंट लगवा दूंगा 13-14 हज़ार रुपये में। अच्छा। हाँ, वो मैंने बात कर ली, बोला हाँ कल सुबह 11 बजे चलेंगे। उसका 11 बजे मिस कॉल आई थी, फिर मैंने देखा मिस कॉल आ रही, फिर मैंने कॉल किया मैं चले, बोले 1 घंटे बाद चलेंगे। अच्छा। फिर मैंने 1 घंटे बाद कॉल किया, फिर बोला शाम को चलेंगे। माँ यार इतने मैं तो तैयार भी होने लगा, इतने कहीं घूम ले। इतने वो शाम को किसी के पास ड्रिंक कर रहा था, शाम को उसका कॉल आया 4:15 के करीब, बोला मैं वहाँ रोड पे खड़ा हूँ, आ जा चल चलेंगे स्कूल में। घर से? हाँ, मैं घर से, घर ही लेटा पड़ा था मैं फटाफट मुँह हाथ धोया, बाल बाल बाइक चला गया मैं। वो वहाँ पे किशोर के साथ ड्रिंक कर रहा था पहले ही। अच्छा। वो सीधा बाइक पे बैठा, थोड़ी बहुत पीस नहीं, बोला चल चलते हैं। वो सीधा कैरखेड़ी चला गया बाइक पे, और जिसकी बाइक थी वो आप तो दो थे उस टाइम, दीपक और आप बाइक पे? नहीं, तीसरा था जिसकी बाइक थी, जिसकी बाइक थी वो दीपक, नहीं उसको जानता, वो मिस्त्री है वो यहीं का। अच्छा। यहाँ मार्केट में नवा रोड में मिस्त्री है गाड़ियों का वो। तो वो दीपक उसको बोला, मेरी मौसी वाला लड़का, कि तू हमें तो जा तो रहा, हमें रास्ते में छोड़ दियो। वो तो अपनी दुकान बंद करके जा रहा था, तो उन्हें सोचा लिफ्ट मिल जाएगी, तो उसने हमको रास्ते में छोड़ दिया कैरखेड़ी गाँव में। उसका कोई रोल नहीं? उसका कोई रोल नहीं, उसका को मैं, उसने तो हमें ड्रॉप किया, लिफ्ट दी थी बस। ठीक है। लिफ्ट देते ही माँ अभी यहाँ से कैसे जाएंगे, ऑटो वगैरह पकड़ दे भी, डालो माला चल रहे। उन्हें पता नहीं असली में फ़ोन किया या नकली में फ़ोन किया, तो उसने फ़ोन कर, हाँ ऐसे ही कान के लगा के, तो बोला मैंने माँ डालो माले स्कूल से मास्टर से बात कर ली, तो वो कह रहे हैं कि शाम को ना, चाहे तो शाम को 7 बजे के बाद या फिर कल सुबह सुबह मिल लेंगे, अभी तो मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, या फिर 7 बजे के बाद आना। फिर मेरे को बोला 7 बजे के बाद है, बोल रहा है उसने। फिर माँ बोला यार अभी तो 4:30 हो गए, 3 घंटे के करेंगे माँ यहाँ। तो उसने जाके ठेके पे से फिर बोतल ले ली दीपक ने। दीपक ने? हाँ। मैं बोला उस टाइम? हाँ, मैं उसके साथ ही था, मैं बैग वगैरह अपने सर्टिफिकेट वगैरह सब लेके गया हुआ था। माँ बोला भी इसका के करेगा, मैं अभी पी के तो स्कूल में जाए नहीं करता मैं, ये तो गलत बात हो जाएगी माँ, और वो भी टीचर से बात करनी है, और कोई होता चल बात भी करना है। माना बोला ना यार दोस्त के घर चलेंगे, वो उसके वहीं से पैदल पैदल हो गया। मामा चल घर चलते हैं, नोला चल घर चलेंगे। उसने पता नहीं किसका घर दिखा, उसका दोस्त का था किसका था, वहाँ आवाज़ मार, नहीं जानते थे, मैं नहीं जानता था। उसने वैसे ही पहली बार उन्हें वैसे ही आवाज़ मार दी, वहाँ से एक लड़का आया, उसने हाथ उठ मिलाया, अंदर बैठ के वो हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह लिया, बोला आज रात यहीं रुकेंगे। वो बोला माँ मैं नहीं पीता। उन्हें हाँ 3-4 पैक लगाए। मैं बोला भाई मेरी और आज संग नहीं है, मैं सो रहा हूँ या फिर मेरे को घर छोड़ा,
बोला तू सोचा सब सवेरे उठते ही नहा दो तो चलेंगे, 4 किलोमीटर तो दूर रह ही गया, नहीं फिर जीन तो वापसी भाग गया। ठीक है, वो भी लड़के बोले चल खाना खुना बनवा दिया उन्होंने, मैंने एक आधी रोटी खाई मैं सो दो गया। लड़के पहले थे उस घर में? हाँ, वो नहीं का घर था, वो दो भाई दोनों सगे थे। हाँ, दोनों सगे भाई थे। दो आप हो गए, चार जने? हाँ, चार जने हो गए थे। ठीक है, वो खाना खुना खा गया, वो एक बोतल और लेकर जैसे लेटा तो पड़े दस, नींद तो आई नहीं, सुनाई तो सारा ही दे रहा था, एक और मंगाई उन्होंने, वही पीते रहे उनके हो गए नशे। तीनों पीते रहे? हाँ, उन्होंने फिर मेरी गुद्दी पकड़ी उठा के बिना बात के। हाँ भाई, वैसे चल रहा घर चला। नहीं, पानी वाली क्या बात, ये कह रहे थे पानी मंगा हुआ आपने? हाँ, मैंने उसको बोला था कि भाई पानी दे दे, मां भी पानी तो पिया दो, माता मैं लेना पैग पीना पड़ेगा, मना पैग नहीं, मैं सिंपल पानी दे रहा, मैं गला सूख रहा हूँ मेरा। उन्हें फिर मेरे मोसे वाले ने मेरे थप्पड़ मारा। अच्छा, मैं चुप छपाला लेट जा। उन्होंने फिर मेरी गुद्दी पकड़ी 1 घंटे बाद। मैं लेट गया, मैं क्यों रोला करना, मैं किसी के, मैं चल मैं लेट गया 1 घंटे बाद उन्होंने मेरी गुद्दी पकड़ी, बोले चल पानी मंगा, मैं घर चला, बोला चल घर छोड़ गया। मैं टाइम देखा, फिर मैंने फोन ऑन था, यानी 4-5% बैटरी थी। मैंने फोन में देखा यार, मैं यार 11:15 हो रहे माई। हाँ माई, कहाँ चलेंगे यार, मैं को साधन नहीं। वो लड़का जिनका घर में थे वो बोला भाई मैं छोड़ के आऊँगा बाइक पे। अच्छा, वहाँ चल भाई, चल भाई इस बार घर ही सो जाएंगे। वहाँ चल पड़े घर की तरफ। चार जने चले या तीन? चार थे, चारों। हाँ, बैठ गए थे एडजस्ट होके, जैसे भी बाइक पे। ठीक, हाँ एडजस्ट होके बैठ के चल पड़े। तो उन्होंने कैथल रोड की बजाय उन्होंने रजवा ले ली बाइक। कौन सा रजवा? ये अपने कैथल रोड पे अमरेडी से आगे, ये अपना कैरकेडी से रजवा जाता है, वो सीधा कैथल रोड पे निकलता है 2-3 किलोमीटर का और रजवा वो एरिया। उन्होंने वहाँ को ले ली, माँ यार सीधा ये 1/2 किलोमीटर सीधा पटियाला चौकी नहीं आ जाएगा सीधा, मैं पार कर दी माँ मेन रोड आ जाएगा, मैं यहाँ को ले जा सुनसान रास्ते में खेलेगा। बोले तेरे नशे उतारेंगे, तेरे को पानी भी पिलाएंगे। अच्छा, उतरते ही उन्होंने थोड़ी सी दूर जाके ना उतरते ही उन्होंने यहाँ जगह ठीक है यहाँ बाइक रोक दो, उन्होंने बाइक रोक दी, सारे के सारे जुटे। पहले मेरे मौसी वाले ने मारे मेरे थप्पड़ मारे मुँह पे, बोले पानी पीऊगा। माँ यार थप्पड़ क्यों मारा, एक आधा मैंने भी मारा जैसे, माँ भी क्यों मारा भाई मेरा। फिर जब मैंने हाथा तो वो तीनों लग गए मेरा, ये दोनों हाथ मसोड़ दी यहाँ पे साथ पे लगातार वार के, लात से ये हाथ टूट गया। फिर मैं नीचे पड़ गया, फिर यहाँ पसलियों पे लाते लात मारे गए। पहले उन्होंने कोई नुकीली चीज़ का वार नहीं किया, लात मारी को, लात गुस्से थप्पड़ ये मारे, पहले कोई नुकीली चीज़ का कोई वार नहीं किया। मैं गिड़गिड़ाता रहा, मैं रहने दो रहने दो। फिर मेरे बाल पकड़ के उन्होंने रजवाए में 2-3 बार सर डुबोया, उन्होंने पी कितना पानी पिएगा। अच्छा, हाँ फिर ऐसे करके नीचे गिर दिया। मैं सासम सास होता रहा। फिर मैं धीरे धीरे से यहाँ पासों में पता नहीं तीनों में से किसने लात मारी किसने नहीं मारी मेरे को ध्यान नहीं है, बस मैं सांस भूल गया था। फिर मैं नींद आ गई, मतलब बेहोश हो गया मैं, मेरे को नहीं होश आया। फिर मेरे पास आसपास कोई था ही नहीं, 1-1.5 घंटे बाद उन्होंने लात मार। अच्छा, वो चले गए तीनों फिर बाइक को, कोई आ गया था इंसान आदमी वहाँ पे खेत खा तो। हाँ, मतलब उन्होंने मेरे को नहीं देखा, अगर मेरे को देख लेता तो मेरे इतने घाव नहीं लगते। वो वहाँ से भाग गए थे, बाइक वगैरह छोड़ गए। आप गिरे पड़े थे? मैं मुद्दा गिरा पड़ा था, वो बाइक वगैरह छोड़ के भाग गए थे वहाँ से। तो वो 1-1.5-2 घंटे बाद आए होंगे, उन्होंने देखा भाई ये तो जिंदा है भाई, अब इसको तो मार दिया। उठाने की कोशिश की उन्होंने मेरे को, आपने ये भी बोला था कि घर छोड़े हो? हाँ, उन्होंने, मैं मुद्दा पड़ा था, उन्होंने ऐसे सीधा करा मेरा हाथ, ऐसे मेरा हाथ उठा मैं बिठा मैं, फिर मैं नीचे पड़ जाऊँ। बोला भाई ये तो जिंदा है, ये तो अध मरा हो लिया यार, मन मन में बात कर रहे थे। बोला ये सब उठ देश के घर के आओगे, किसी ने बताओगे, आप सारे फंसाएंगे। तो पता नहीं उन्होंने क्या किए, तो जी माए एक ने तो मेरा मुंह पकड़ लिया, और एक बाइक की चाबी थी यहाँ पे, बियर मारी इतना याद है। हाँ, बियर की 2 बोतलें पड़ी थी वहाँ, खाली थी वो लेके आए थे या फिर खाली पड़ी थी पता नहीं क्या था। मतलब आपका इस पर कंधे पे मारी? हाँ, कंधे पे, वो टूटी भी थी। फिर उन्होंने लगातार तीनों दो थे, तीसरा खड़ा था मेरे ख्याल, बीड़ी पीने लग रहा था। हाँ, कुछ पी रहा था, कुछ बीड़ी पी रहा, सिगरेट पी रहा था। वो लग रहे हैं कहीं भी जगह मिलो, पेचकस था या सुआ था जैसे मेरे ख्याल से, कोई नुकीली चीज़ थी जैसे बाइक की चाबी हो। बियर तो मैंने देखी थी, बियर इतनी मोटी थी, बियर तो मैंने देखी थी। बियर की बोतल भी मारी है? हाँ, बियर की बोतलें, ये लंबे लंबे यहाँ से घाव हो रहे हैं। अच्छा, ये बोतल इतने लंबे लंबे हैं, अगर बियर की जाती तो इतने छोटे छोटे घाव होते हैं। ये पहनी पहनी चीज़ थी जैसे मोटरसाइकिल की चाबी हो, पेचकस वगैरह या फिर सुआ तो मुश्किल है, पेचकस या छोटा मोटा था, इतना जा रहा था अंदर, इतना था मेरे को महसूस हो रहा था, मतलब अंदर जा रहा है। वो लगातार जुट रहे थे, एक पीछे का आगे, एक पीछे था आगे। हाँ, ये जैसे ऐसे बिठा रखा था, बस लगातार जुटे रहे थे वो। मैं उनको तड़पता रहा, मैं लगभग 80-90 लगभग। अब सिस्टर ने जैसे जिस दिन आया था उस दिन गिने थे तो 103 थे,
जैसे यहाँ पे भी लगे हुए हैं, ऐसे आते हैं। मैंने यहाँ का ध्यान नहीं दिया था। अच्छा, लगभग तो फिर यहाँ से सलेंसर पे मेरे को यहाँ पे डाला। अच्छा, जो गर्म सलेंसर सलेंसर, हाँ, उसके ऊपर मेरा फेस, तो फेस भी और सलेंसर भी ऐसे टांगों पे ये चीज़ यहाँ लग गई, ये सलेंसर पे। हाँ, ये इतना मोटा फोल्ला हो गया था, जल के मतलब चीज मार रहा था, तो थोड़ा सा दवाई लगा के अब ठीक हुआ है। तो मैं बोला पढ़ते पढ़ते वो बैठ गए, मैं फिर मैं एकदम थोड़ा सा होश आया, मैं बोला भाई मेरे को घर छोड़ा, मैं तमने मार दी मुरली, मैं कोई केस नहीं करता, कि मैंने बताना मैं कह दूंगा, मेरे तो नूह लग गई, मैं तो खा पी के पड़ गया, मैंने घर छोड़ा यार, मैंने आज नहीं है, मेरे को घर जाना है, चाहे मैं एक घूट पानी पिला दूँ ना। उन्होंने पानी पिला, एक जना उठ के उन्होंने मेरे पेट में फिर लात मारी, उन्होंने फिर गुद्दी पकड़ के मेरे को घसीट घसीट के यहाँ से 2-3 फुट ले गए थे उधर, थोड़ी सी घसीट थी। फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग सा लगाया, मैं तो तेरे को मार के ही छोड़ देंगे, मैं ऐसे दोनों हाथ पैर लटका लिए मैंने, मतलब मरण का एक्टिंग कर ली। उन्होंने मेरे को मारे, लेकिन मैंने बस मुट्ठी बीच के मैंने आ तक भी नहीं करी, मारे भी उसके बाद भी जैसे देखने के लिए, कदी उधर मारा कदी उधर मारा, कदी खड़ा करके नू भी घेर के देखा, जैसे नू थोड़ा सा अद्धा खड़ा किया, नू धक्का देखा, मैं सीधा पड़ गया, मैं फुटन दे सर सुर फुटा, मैं पड़ा रहा, नोले तो मर गया। फिर वो भाग गए, फिर मेरी 3-3.5-4 बजे लगभग यही टाइम होगा, सुबह सुबह का पता चल जाता है, चिड़िया चाड़िया चह चह कर रही थी, वहाँ सुबह होगी, आँख सी खुली थी, उठने की कोशिश कर रहा हूँ, यार देख रहा हूँ कोई कामयाब नहीं, उठा ही नहीं जा रहा, घसीट घसीट अभी नहीं जा रहा। देखा मैंने थोड़ा सा गर्दन उठा के, फ़ोन इतनी दूर पड़ा था, मेरा फ़ोन, यानी कुछ चोरी वगैरह नहीं की इन्होंने, फ़ोन दूर पड़ा, बस फ़ोन तोड़ रखा था, फ़ोन ओके था, फ़ोन बिल्कुल डैमेज कर रखा था। फिर मैंने फ़ोन उठाया, फ़ोन ऑन था, 1% बैटरी, तो उसमें मैंने देखा फ़ोन ऑन है, मैं जैसे ही फ़ोन डेड करने लगा फ़ोन ऑफ, वो 1% बैटरी, तो वो बिल्कुल डेड हो गया। मैंने फ़ोन को उठा के यहाँ 99 डाल दिया, फिर मैं वैसे कैसे मुद्दा लेट गया। फिर सुबह सुबह वो जहाँ मैं स्कूल में डांस सिखाता हूँ, वही बच्चे मेरे को जानते थे, जैसे वो वहाँ को घूम रहे थे, एक्सरसाइज करते हैं, रेस करते हैं, वो आए, उन्हें बोलना, पहले तो वो सीधा निकल के देख के, उन्हें रहने दे कोई शराब भी पड़ा होगा, फिर दूसरा आ गया, दोबारा आए, बोले यार खून खान निकल रहे, पर देख तो ले जिंदा के मर रहा है। दूसरा तो लड़का डर रहा था, वो 3 थे, और दूसरा बोला एक बार देख तो ले, उन्होंने हिला के देखा नहीं, फिर मैंने बोला हाँ, मैंने आँखें खोल ली, आँखें खोलते ही देखा भाई जिंदा है, कि माँ भाई यार ठीक, माँ भाई मेरे घर फ़ोन मिला दे, बोला भाई कित का, माँ भाई मैं जींद का हूँ, बोला उरे कुकर, माँ उरे मेरे मौसी का लड़का लेकर आया था, वो उसके साथ आया था, उसने वारदात कर दी रात को, बोले यहाँ किसी को जानता, माँ भाई यहाँ आर्या स्कूल है, मैं यहाँ डांस टीचर हूँ। फिर वो भी बोला अच्छा, वजीर डंडे वाले में जिसके जो मेन डायरेक्टर नाम था उसका, उसने वो जानते, बोला हाँ, बोला वजीर डंडे को बुलाऊँ, मैं यार सर को क्यों बुला रहे हो, मेरे घर वालों को बुलाओ, सर थोड़ा इलाज कराएंगे। तो उन्होंने मेरे घर फ़ोन करा सिस्टर के पास, तो सिस्टर 7 बजे आई, उन्होंने 112 पे भी फ़ोन किया, लेकिन 112 से पहले सिस्टर आ गई थी, तो सिस्टर मुझे लेके वहाँ से हॉस्पिटल चले गए, ये कहानी थी। तो पुलिस की कार्रवाई तो फिर कितने संतुष्ट हो? अभी तक तो मैं कोई भी संतुष्ट नहीं हो जी, अभी तक वो सरेआम खुलेआम घूम रहे हैं। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ जी, अभी तक पुलिस ने प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, बिल्कुल भी सुनाई नहीं कर रहे हैं। देखो मेरे को पता है मैं 15 दिन 20 दिन 25 दिन कितने हो गए, मेरे को कैसे पेन में मैं जी रहा हूँ, कैसे मेरे हालात हैं। देखो जी, अगर जब तक पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगी तो मुझे खुद उठना पड़ेगा, जब तक मैं बेड पर हूँ तब तक वो खुलेआम वैसे घूम ले, वैसे प्रशासन कुछ ना करे, जब से मैं बेड पर उठा सर वो बेड पर होंगे, फिर मैं नीचे होऊंगा, मैं तो अपना बदला जरूर लूँगा, मुझे चाहे तो इंसाफ दिला दो, नहीं मुझे खुद मुजरिम बनना पड़ेगा, मैं ये चाहता हूँ, चाहे तो मुझे कार्रवाई करवा दो मेरी, मुझे इंसाफ चाहिए, जितना मेरे को दर्द हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है, जैसे उन्होंने गलत किया है उनके साथ वैसा ही होना चाहिए, वरना सर मुझे खुद हथियार अपना उठाने पड़ेंगे, फिर प्रशासन फिर मेरे को उठाने मिनट में आ जाएगा। अब उनको 25 दिन हो गए, अब तक कोई भी नहीं उठा रहा, उसका ले हम घूम रहे हैं, सरे हम यहाँ पे मिलने आते हैं लोग, वो कहते हैं सरे हम उनको बोलता हाँ मैंने मारे, ले मैं ये घूम रहा हूँ मैंने मारे, बोलो क्या करोगे, वो सरे हम धमकी देता फिर रहे। चलो भाई मेन चीज़ वो है, देखो इस भाई का दर्द है, हालांकि हमें तो एक ही बात कहेंगे भाई, कानून पर भरोसा रखो, और इसी बात नहीं, देखो एक कहावत है बोला देर है अंधेर नहीं, परमात्मा का घर्म है भी, और इसी बात नहीं है भाई, कानून है अभी, कानून है, हाँ इतना हो सका भाई, सुनवाई हो सकता लेट हो, लेकिन इस वीडियो का माध्यम तो है, जींद के जितने कोई पुलिस का साथी वीडियो देखता हो, जितने CID के साथी वीडियो देखते हो, कोई वकील भाई वीडियो देखता हो, उन तो एक ही अपील है कि जींद में जिस तरीके का मतलब क्राइम बढ़ने लग रहा है, उनका कारण सिर्फ यू है कि पुलिस का ढिल्लापन,
टाइम पर कार्रवाई नहीं होना। इस भाई का यू अंदर का दर्द है कि मतलब मैं तड़फाया तड़फाया कहना इस तरीके से इतने वार करे गए, इतनी मतलब हालात में गेड़ा गया और उसके बाद प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा, और इसका दर्द केवल इसी को पता है ना परिवार को पता। मान ना भाई परिवार की सांत्वना है, लेकिन जो वार करे गए नहीं उस वार का दर्द केवल इसको पता है। हम भी कह सका ठीक है भाई की मतलब संवेदना सांत्वना है, लेकिन इसका दर्द इसने पता है। और जब तक न कागर दर्द देने वाला इंसान न सजा नहीं मिलेगी तो भाई वो कागर नहीं, आदमी के अंदर चैन कौन पड़े और इसका दर्द जायज है। बहुत ज़्यादा टाइम लगा और 80 से 90 किले वार कोई थोड़े नहीं होंगे। तो जितने साथी वीडियो देखे या वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होनी चाहिए। और जींद पुलिस ने, मैं ये कहूँ भाई अनिल विज जो गृह मंत्री हैं, जो गब्बर का नाम तो मशहूर है, जो कहे हैं कि तुरंत एक्शन ले हुए हैं, तुरंत फैसले सुना हुए हैं कि औरत किया जानी चाहिए। और मेन चीज़ ये है कि नुकाकरण भाई दूध का दूध और पानी का पानी, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कोई भी जांच है, देखो जांच जो प्रक्रिया चलेगी वो पुलिस की चलेगी, वो निष्पक्ष तरीक़त होनी चाहिए। भाई इस भाई की कुछ गलती है या उनकी गलती है, और जो दोषी हैं जिन्हें चोट मारी उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, कानून में सज़ा का प्रावधान है। जरूर वीडियो शेयर करनी है पूरी नुकागर दर्द भरी जो दास्तान थी, इस भाई ने एक एक शब्द बयान कराया है। तो यह वीडियो ज़रूर शेयर करिए और आपके जो सोच विचार हैं वो भी ज़रूर आपने देने हैं। जय जवान जय किसान।